Hey, welcome back. I'm Sumi Bhushan, pain interventionist and founder president, Dr. Bhushan's research lab or Rashtriya or Antarrashtriya Yoga Adhyaksh, Ayush International Medical Association. बहुत बहुत स्वागत है आप सबका. आज बड़ा जबरदस्त वीडियो लेके आए हैं. आप सबको मालूम ही है कि मेरा काम है उन तमाम बुजुर्गों की मदद करना जो किसी भी प्रकार के घुटनों के दर्दों से पीड़ित हैं या जोड़ों के दर्दों से पीड़ित हैं, और खासकर वो जिनको ऑपरेशन की नौबत आ गई है. लेकिन आज मैं आपके साथ एक ऐसा जबरदस्त वीडियो लेके आया हूं जिनको सारे शरीर में सुइयां चुभनी शुरू हो जाती हैं, जिनको एड़ियों में दर्द रहना शुरू हो जाता है, जिनके छोटे जोड़ों में भी दर्द आना शुरू हो जाता है, जो क्रिस्टल्स जमा हो जाते हैं यूरिक एसिड के, वो उसके लिए क्या करें और क्या ना करें, उसका एक जबरदस्त वीडियो आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं. फटाफट से मुद्दे पे आऊंगा, वीडियो लंबा नहीं करूंगा. आपको मैं बताऊंगा कि ये किस कारण से ऐसा होता है कि यूरिक एसिड हमारा बढ़ जाता है, और ऐसे क्या कारण हैं जिनसे हम यूरिक एसिड को बाहर कर सकते हैं. बड़ा जबरदस्त तरीका बताने जा रहा हूं. सबसे पहले आपको बताता हूं कि जब ज्यादातर लोग, शौकीन लोग, जब ये कहते हैं कि अजी हम तो डेली नॉन वेज लेते हैं, अल्कोहल लेते हैं, मजा ही नहीं आता जी, रात को डिनर चाहिए ही चाहिए अपने को, या फिर हर रोज कड़ी चाहिए, हर रोज छोले चाहिए, हर रोज पनीर और पनीर के पकौड़े चाहिए, हर रोज दालें खाएं, और जब हम रॉ वेजिटेबल से, फ्रूट से, फाइबर से रिश्ता तोड़ देते हैं, यानी उनको कम खाना शुरू कर देते हैं, तब ये तकलीफें पड़नी शुरू हो जाती हैं. दे चाय पे चाय और दे मिठाई पे मिठाई, अपनी जुबान पे जब हम कंट्रोल नहीं कर पाते हैं ना, तो एक टाइम ऐसा आता है जब यूरिक एसिड हाई होना शुरू हो जाता है और ये सारी तकलीफें आनी शुरू हो जाती हैं. अंगूठे के अंदर दर्द आना शुरू हो जाता है, पैर के अंगूठे में, हाथ के अंगूठे में पेन आना शुरू हो जाता है, इवन एड़ियों में दर्द रहना शुरू हो जाता है, छोटी उंगलियों में भी दर्द आना शुरू हो जाता है. इतने दर्द होते हैं कि आदमी अल्टीमेटली परेशान हो जाता है कि दिन रात को पेन किलर खा के भी ये दर्द नहीं जा रहा, राइट? तो आज यही मैं आपको बताऊंगा कि क्या आप खाएं और क्या ना खाएं, सो दैट ये जो सिम्टम्स आ रहे हैं आपको, जो मैंने अभी आपको बताए हैं, ये सारे के सारे ठीक हो जाएं. और आपको एक और बात बताऊं, आपको जो भी चीजें मैं बताऊंगा उसको हमेशा आप, मतलब अगर आपने 1.5 से 2 महीना भी कर लिया ना, यूरिक एसिड रिवर्स होना शुरू हो जाएगा. बड़ी कमाल की चीज है, ठीक है? तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि आपको क्या नहीं खाना है जिसकी वजह से यूरिक एसिड ऊपर जा रहा है. सबसे पहले नॉन वेज बिल्कुल बंद कर दीजिए, चाय बिल्कुल बंद कर दीजिए, अल्कोहल बिल्कुल बंद कर दीजिए, बहुत से लोग गौमूत्र का सेवन करते हैं उसको बंद कर दीजिए, पनीर बंद कर दीजिए, अचार बंद कर दीजिए, खट्टी चीजें, चाहे वो मौसमी है, किन्नू है, संतरा है, नींबू है, इन तमाम चीजों को बंद कर दीजिए. राजमा है, फ्रांस बीन, साग, हरा साग, साग भी बोल रहा हूं जी, साग भी इसी कैटेगरी में है, इन सबको बंद कर दीजिए. और मैं आपको बताऊं, क्योंकि मैं आज लिख के, दूध, दूध से बनी हुई तमाम चीजें, दही, लस्सी, कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम, ये तमाम चीजें जो हैं, चाय तो मैंने आपको पहले भी बोल दिया है, ये तमाम चीजें जो हैं इनको इमीडिएटली बंद कर दीजिए, कम से कम 45 से 50 दिन के लिए. आप देखेंगे पहले 2 से 3 हफ्ते में आपको इतना रिलीफ आएगा कि आपको पेन किलर खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, राइट? ये है पहली चीज. अब क्या खाएं, बड़ा आसान है, शलगम. मैं कहता हूं जी शलगम इतनी बढ़िया चीज है यूरिक एसिड के लिए कि अगर आप कच्चा खाना शुरू कर देना शलगम, खाना खाने से पहले लंच में और रात में, यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स को पिघला पिघला के बाहर कर देगा. इतनी जबरदस्त चीज है शलगम. जितनी हरी सब्जियां, लाइट कलर की हरी सब्जियां, चाहे वो लौकी है ना, जो घिया जिसको हम बोलते हैं, तोरी है, ठीक है, करेला है, टिंडे हैं, राइट? इसके अलावा फ्रूट्स में आप देखो, सेब है, ठीक है, पपीता है, अमरूद है. सेब तो इतनी जबरदस्त चीज है, अगर कोई सेब का रस निकाल सकता हो या सेब सुबह खाली पेट खा सकता हो, 1 से 2 सेब या 3 सेब, तो सेब में मैलिक एसिड होता है, और वो मैलिक एसिड जो है ना यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स को पिघला पिघला के बाहर करता है. इतनी जबरदस्त चीज है. तो अगर आप, अगर मतलब हर एक का अपना पॉकेट का हिसाब होता है, अगर अफोर्ड कर सकते हो तो डेली के 2-3 सेब जो हैं डेली खाना शुरू कीजिए. आप देखेंगे यूरिक एसिड तो यहां से आपके पेन सारे बंद हो जाएंगे और यूरिक एसिड जो है ना रिवर्स होना शुरू हो जाएगा. इतनी जबरदस्त चीज है. एक चीज और, कद्दू, परवल, ये तो लेना ही है. आपके मन में एक चीज और आ रही होगी, वो है टमाटर, ठीक है? टमाटर, इस बात का ध्यान रखिए कि टमाटर अगर लेना है, अगर वो 6-7 तक है यूरिक एसिड, मैक्सिमम 8 तक गया है, तो टमाटर ले सकते हैं, लेकिन बीज निकाल के, बीज निकाल के पका हुआ मीठा लाल टमाटर ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है. लेकिन अगर वो 9-10-11 पे आ गया है तो फिर टमाटर को अवॉइड कीजिए. बस इतनी सी बात है, बस इतनी सी बात है, बस, ठीक है? जैसे ही आप इसको फॉलो करेंगे,
मैं गारंटी देता हूं विद इन टू वीक्स जबरदस्त डिफरेंस आएगा। और मेरा एक कहा मान लीजिएगा, जब भी आपको कच्चा खाना है तो पहले खाना और खाना बाद में खाना। अगर हम खाना पहले खा लेते हैं वो फिर अंदर एसिडिक पोजीशन बन जाती है, कच्चा पहले खा लेते हैं तो अंदर एल्कलाइनिटी पैदा हो जाती है और दो हफ्ते के अंदर जबरदस्त रिजल्ट मिलते हैं। ठीक है, तो ये मैंने आपको बताया कि क्या वो सिम्टम होते हैं और क्या हम खाएं और क्या ना खाएं। ये जो ट्रायंगल है ना, ये आपको यूरिक एसिड को ठीक करने में भरपूर मदद करेगा। हालांकि मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया हुआ है, उसमें भी आप फॉलो कीजिए। आप अगर उसके अंदर मैंने तरीका बताया कि और तेजी से अगर उसको ठीक करना है तो क्या कर सकते हैं। और इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा ताकि सबकी मदद हो सके, सबका भला हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए और शेयर करने के लिए। फिर भी कोई सवाल हो कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू।